नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायंत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो एक हाथ हमारे पास रीड होने के लिए आया है। जीवन में काफ़ी स्ट्रगल इनके चल रहा है, बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है, कब तक मकान बनेगा, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने पूछा है। तो इस हाथ को उन क्वेश्चन के जवाब देंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर संपर्क करें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को जरूर फॉलो करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। तो चलिए इस हाथ को रीड करते हैं और देखते हैं। वैसे तो इनके मेन क्वेश्चन हमने इनका हाथ जो है पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जो है ज़्यादा जिन चिंताएँ चल रही हैं और कब तक जीवन में सफलता के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया था बिज़नेस रिलेटेड, और जो अभी है नुकसान में थोड़ा चल रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर नुकसान होने का कारण क्या है, इनकी जो भाग्य रेखा आप देखेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कोई भी भाग्य रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जो किस्मत की रेखा होता है, जो पैसों की होती है रेखा, वो यहाँ पर स्टार्टिंग में नज़र नहीं आ रही है। जो इसका बनना है, जो बन रही है, वो यहाँ पर माइंड लैंड के ऊपर आप देखें, दो रेखाएं आपको नज़र आएंगी। एक ये रही और एक बहुत प्रॉपर रेखा आपको ये बनती हुई नज़र आएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30 के बाद का समय, या हम कह सकते हैं 32 के बाद का समय बहुत अच्छा है, और 35 के बाद तो भाग्य उदय आपका होने वाला है। तो ये यहाँ पर हाथ में इंडिकेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, फ़ायदा होना, पैसों का बढ़ना या प्रोफेशन करना, वो यहाँ पर जो है 32 के बाद ही ये मुमकिन हो सकेगा, या 35 के बाद ही वो काम बन सकेगा। उसके बाद आपको कोई पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे कंडीशनें जो है हाथ में यहाँ पर सुधरती हुई नज़र आ रही है उस एज के बाद, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बिजनेस की बात करूँ, यहाँ पर आपको जो फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको दिखेगी, जो सूर्य की फिंगर बहुत ज़्यादा अधिक लंबी है, ठीक है, गुरु से, और बुध की जो लंबाई है वो भी यहाँ पर फर्स्ट वेलस को क्रॉस कर रही है। तो आप मान के चलें कि भले ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन अब कामयाबी के जो दिन हैं, जो दुख के दिन हैं, वो कटने वाले हैं, और यहाँ से आपके जो दिन हैं वो पलटने वाले हैं, ठीक है। और क्योंकि जब यहाँ पर सूर्य की फिंगर इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करता है, वो किसी के अंडर काम करना पसंद ही नहीं करता, ना ही वो कर पाएगा। क्योंकि सूर्य अपने आप में ही एक राजा है, मतलब जो ग्रह हैं हाथों में सबसे बड़े ग्रह यहाँ पर सूर्य माने गए हैं, और हाथ में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है सूर्य का होता है। और सूर्य जिनका बड़ा है, मतलब यहाँ फिंगर बड़ी है, वो आप मान के चलें कि अपना बिजनेस ही करते हैं। साथ में यहाँ पर बुध की फिंगर देखेगी, वो भी लंबी है, तो कम्युनिकेशन स्किल और भी अच्छी हो जाती है। तो बिजनेस क्षेत्र में आपको जाना ही सफल रहेगा, कोई बात नहीं। अभी नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस बिजनेस में है, जिस प्रोफेशन में है, आप उसमें लगे रहिए। नहीं तो अगर आप चेंज भी करेंगे, अगर अब आप अभी बदलाव करना चाहते हैं, 31-32 में बदलाव करना चाहते हैं, तो वो बदलाव बिल्कुल सफल रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया कि सफलता आपको धीरे धीरे मिलनी स्टार्ट होगी। 32 के बाद जो है बहुत अच्छा समय, और 35 के बाद तो भाग्य उदय होगा, और बहुत ही कंडीशन आपकी जो है सुधरेगी यहाँ पर आपके 32 या 35 के बाद, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन किया था मकान का, क्या हाथ में मकान के योग हैं? तो मकान के योग के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले आपके शुक्र पर्वत को देखना पड़ेगा। शुक्र पर्वत, साथ में यहाँ पर शनि पर्वत, और साथ में मंगल पर्वत आपका देखना पड़ेगा। तो मंगल पर्वत पे क्या हो रहा है कि कुछ रेखाएं हैं जो यहाँ पर सुख देंगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी रेखाएं जो मंगल क्षेत्र से या शुक्र क्षेत्र से आपको आड़ी नज़र आती हैं। जब ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद होती हैं, तो कोई भी काम जो है आसानी से किसी व्यक्ति का बनता नहीं है। जो ये रेखा होती है स्ट्रगल की रेखा मान दी जाती है। जब आपके हाथ में ऐसी रेखाएं बननी स्टार्ट हो जाए या बने, तो आप मान के चलें कि कोई भी काम जो है बहुत आसानी से नहीं बनता है, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अपना सब स्वाभिमान गवा कर आपको काम करना पड़ता है। उस काम के लिए मन नहीं है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे कंडीशनें पैदा हो जाती हैं, ठीक है।
ये चीज़ें नज़र आती आ रही हैं। लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं ये घर मकान देती हैं। ये मान के चलें कि जब ये रेखाएं बनती हैं ऐसी, तो आपको घर और या मकान में बनने के योग काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, ज़मीन जायदाद बनने के योग काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। साथ में आपका शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। शुक्र पर्वत पर इतना ज़्यादा उभार होना ये भी बताता है कि वो सुख सुविधाएं जो अभी तक आपको नहीं मिली हैं, ऐशो आराम आपको जो नहीं मिला है वो मिलेगा। क्योंकि अभी तो एज 30 साल है, 30 साल के बाद तो बहुत अच्छा समय आने वाला है और इसका फल आपको शुक्र पर्वत से नज़र आएगा। तो घर मकान जरूर बनेगा ये तय है। साथ में शनि पर्वत पर कुछ पैतृक संपत्ति के निशान जो है घर बार के हम मानते हैं वो भी आपको बने हुए हैं। भाग्य रेखा 35 के बाद बहुत प्रॉपर रूप से यहाँ पर पहुँच रही है, ऊपर तरफ यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल तय है कि किस्मत पलटने वाली है 32 के बाद, 35 के बाद, और घर मकान भी यहाँ पर मिलेगा, बनेगा, और सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, तो ये मेरी प्रिडिक्शन है। इसको आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।